आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। उत्तरकाशी टनल हादसा, मलबे में दबे 40 मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। दिवाली की रात दिल्ली की हवा में घुला पटाखों का जहर, देर रात कई इलाकों में बढ़ा प्रदूषण। जयशंकर ने लंदन में ऋषि सुनक से की मुलाकात, पीएम मोदी की ओर से दी गई दीपावली की शुभकामनाएं। रोक के बावजूद दिल्ली एनसीआर में जले पटाखे, हुई आतिशबाजी, कहीं फिर जहरीली ना हो जाए हवा। बिहार में दिवाली के बाद अचानक बदला मौसम, ठंड के साथ बढ़ी कनकनी। गेस्ट हाउस में युवती को जबरन शराब पिलाकर किया गैंग रेप, 5 गिरफ्तार। पीएम की रैली में टावर पर चढ़ने वाली लड़की ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी दीपावली की शुभकामनाएं, जाने क्या कहा। अंकिता ने लड़ाई में मारी विकी जैन को लात, एक्ट्रेस बोली भूल जा हम शादीशुदा हैं। शुभमन गिल ने तोड़ा रोहित कोहली का रिकॉर्ड, नीदरलैंड के खिलाफ अर्धशतक जड़कर हासिल की उपलब्धि। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दीपावली वाले दिन बड़ा हादसा हो गया। यहां रविवार देर रात ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर सिलक्यारा में डंडाल गांव तक बन रही टनल का 50 मीटर हिस्सा धस गया, जिसमें करीब 40 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज तक की टीम इस टनल के उस हिस्से पर पहुंची जहां ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले रेस्क्यू टीम में शॉर्ट क्रीटिंग मशीन के जरिए कैविटी से आए मलबे को हटाने में लगी, लेकिन जब यह सफल नहीं हुआ तो इन मशीनों को टनल से बाहर निकाला गया है। उनकी वॉशिंग हुई और उनकी जगह पर लोडर लगाकर फिर से मग को कैविटी वाले एरिया से 30 से 40 मीटर पीछे लाया गया है। रात करीब 12 बजे तक मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। करीब 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया है। दिवाली की रात को राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर बिगड़ने लगी है। दिल्ली के कई इलाकों का वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। जिन इलाकों में AQI में बढ़त दर्ज की गई है, उनमें जहांगीरपुरी, आरकेपुरम, ओखला, श्रीनिवासपुरी, आनंद विहार, रोहिणी शामिल है। बता दें कि दिवाली की शाम तक दिल्ली का औसत AQI 218 दर्ज किया गया था, जिनसे दिवाली के दिन सबसे बेहतर हवा होने के साथ 8 साल की रिकॉर्ड तोड़ा था। सालों बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली वालों को दिवाली के दिन साफ आसमान नजर आया और हवा सांस लेने के काबिल हुई। हालांकि रात होते होते हवा खराब होती गई और कम तापमान के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति से रविवार को 10 से डाउनिंग स्ट्रीट में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उन्हें दीपावली की शुभकामनाएं दी। इस मीटिंग में एस जयशंकर की पत्नी क्यूको जयशंकर भी मौजूद थी। एस जयशंकर ने ऋषि सुनक को भगवान गणेश की मूर्ति और क्रिकेटर विराट कोहली द्वारा ऑटोग्राफ किया गया एक क्रिकेट बैट भी गिफ्ट किया। ब्रिटेन के पीएम से मुलाकात के बाद जयशंकर ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर कर लिखा, दीपावली के दिन पीएम मोदी सुनक से मुलाकात कर खुशी हुई, पीएम मोदी की ओर से उन्हें भी शुभकामनाएं। दीपावली के मौके पर पूरा भारत रोशनी से नहा उठा है। दिल्ली में तमाम इमारतों को लाइटों से सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भी दीपावली जवानों के बीच मनाई। वह हिमाचल प्रदेश में लेप्चा पहुंचे। मोदी ने कहा कि जब तक देश की सीमाओं पर बहादुर जवान खड़े हैं, तब तक भारत सुरक्षित है। वहीं प्रदूषण के चलते दिल्ली में पटाखे चलाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। गुड़गांव फरीदाबाद में बंदिशों के साथ ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। नोएडा में पटाखे बेचने और जलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध है। गाजियाबाद में भी पटाखे की बिक्री पर रोक है। बिहार में दीपावली के दिन पश्चिम चंपारण के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई। वहीं आसपास के कई जिलों पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और शिवहर में आंशिक बादल छाए रहे। इसके साथ ही राज्य में अब अचानक से मौसम बदल गया है। ठंड के साथ ही कनकनी बढ़ गई है। वहीं कोहरे की भी एंट्री हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों यानी 18 नवम्बर तक राज्य भर में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। राज्य में पिछले 24 घंटे में पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में
1.2 मिलीमीटर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 1 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच राज्य में 94.6 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो सामान्य से 57% अधिक है। राज्य में इस दौरान सामान्य रूप से 60.30 मिलीमीटर बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई हिस्सों में अगले 1-2 दिनों में आंशिक बादल छाए रहने की भी संभावना है। आगरा के ताजगंज में शनिवार रात को एक गेस्ट हाउस के कमरे में युवती को जबरन शराब पिलाकर कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। प्रीता इसे गेस्ट हाउस में कर्मचारी है। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि मामले में एक महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कहा गया है कि मामले की जाँच की जा रही है। बसई पुलिस चौकी के प्रभारी मोहित शर्मा ने बताया कि प्रीता की उम्र लगभग 25 साल है। प्रीता ने पुलिस को बताया है कि पहले उसका एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया और इसे लेकर उसे ब्लैकमेल किया गया। सिकंदराबाद में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली के दौरान एक लड़की लाइट टावर पर चढ़ गई थी। लड़की को मनाने के लिए पीएम मोदी अपना भाषण रोकते हुए उससे कई बार उतरने की अपील करते रहे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। अब उस लड़की ने विभाजनकारी राजनीति करने के लिए पीएम मोदी का मजाक उड़ाया है। मीडिया से बात करते हुए लड़की ने पीएम पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री की ओर से युवती से बार बार टावर से नीचे आने की अपील करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। इस वीडियो में पीएम नरेंद्र मोदी उस लड़की से कहते दिख रहे हैं, बेटा मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, कृपया नीचे आ जाओ और बैठो, ये सही नहीं है, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, ऐसी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दीपावली के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका और आसपास में जश्न मना रहे 1 अरब से अधिक हिंदुओं, जैन, सिख और बौद्धों को हम दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीढ़ी दर पीढ़ी दक्षिण एशियाई अमेरिकों ने दीपावली की परंपराओं को हमारे देश के ताने बाने में बुना है। दीपावली जो कि अज्ञानता, नफरत और विभाजन के अंधेरे पर ज्ञान, प्रेम और एकता की रोशनी की तलाश के संदेश का प्रतीक है। बीते दिनों के साथ बिग बॉस 17 के घर का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है। घर में लड़ाई झगड़ों का हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस बार फिर वीकेंड के वार में सलमान खान ने घर वालों की क्लास लगा दी है। बिग बॉस 17 में अंकिता और विकी की भी आए दिन तूतू मैमे हो रही है। अब एक नए प्रोमो में बिग बॉस मोहल्ले वालों में से किसी एक शख्स का तबादला करते हैं और वह है विकी जैन। बिग बॉस उन्हें दिल वाले मकान से निकाल कर दिमाग वाले मकान में भेज देते हैं। प्रोमो में बिग बॉस को कहते हुए सुना जा सकता है कि आपके सामने कहानी का नया ट्विस्ट है। इसके बाद पता चलता है कि विकी अब से दिमाग वाले मोहल्ले में रहेंगे। बिग बॉस घर वालों को एक मैसेज भी भेजते हैं, जिसमें लिखा होता है कि विकी भैया को दिमाग के मकान में न भेजता तो और भला मैं क्या करता। इसके बाद बिग बॉस अंकिता की टांग खींचते हुए कहते हैं कि उनका मुंह इतना क्यों उतरा हुआ है। जिसके लिए मुंह उतरा हुआ है वो तो वहां पर नाच रहा है और बहुत ज्यादा खुश है। भारत ने विश्व कप 2023 के 45वें मुकाबले में नीदरलैंड्स को 160 रनों से हरा दिया। इस दौरान शुभमन गिल ने शानदार बैटिंग करते हुए अर्धशतक लगाया। गिल ने महज 32 गेंदों में 51 रन बना डाले। उन्होंने इस अर्धशतकीय पारी एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली। गिल भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने के मामले में 5वें नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारत के लिए एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम दर्ज है। उन्होंने 1998 में 1894 रन बनाए थे। सौरभ गांगुली दूसरे नंबर पर है। सौरभ गांगुली ने 1999 में 1767 रन बनाए थे और राहुल दविंद्र ने 1761 रन बनाए थे। और चौथे नंबर पर भी सचिन है, उन्होंने 1996 में 1611 रन बनाए थे।